हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। और फिर से आज परमेश्वर ने आप लोगों के साथ मुझे एक बार बातें करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटे बच्चे की स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा बच्चा था और वो क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया था, पर क्या वो छोटा बच्चा हमेशा अपने आप को एलोन, अकेला महसूस किया करता था। एक समय का बात है, वो बच्चा अपने आप को दूसरों के साथ मिल के नहीं रह सकता था और अपने आप को हमेशा अकेला महसूस किया करता था। वो जो कुछ भी करता उसे अपने आप में, फैमिली में उसे अकेलापन फील होता था। फिर क्या, फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और स्कूल में उसकी एडमिशन हो गई, तो बच्चे ने सोचा चलो अब एडमिशन हो गई है स्कूल में, अब तो बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे, उसका अकेलापन शायद दूर हो जाए। वो बच्चा ऐसा सोचते रहा और क्या, फिर बच्चा स्कूल गया। बच्चा बहुत खुश था कि उसे बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे, वो बातें करेगा फ्रेंड से, बहुत सारे दोस्त बनेंगे उसके जीवन में। और वो अकेलापन, जिस अकेलापन से वो जूझ रहा था, उस अकेलेपन से उसे छुटकारा मिलेगा। वो बच्चा इसी तरीके से स्कूल गया और जाने के बाद बहुत सारे फ्रेंड मिले और बहुत सारे फ्रेंड से दोस्ती हुई, फिर उसकी दोस्ती टूटी और फिर बहुत सारे फ्रेंड ने उसके मजाक उड़ाए, बहुत सारे फ्रेंड ने उसे उस पर हंसा। इस तरह से करते करते एक दिन फिर क्या हुआ कि वो बच्चा अकेला हो गया। फिर से उसे उसका अकेलापन सताने लगा। वो सोचने लगा और बैठ के वो रोने लगा कि कोई नहीं है मेरे साथ, मैं हमेशा अपने आप को अकेला क्यों महसूस करता हूँ। उसे कोई दोस्त चाहिए था जो उस जिससे वो अपने सुख दुख को बांट सके, जिससे वो बातें कर सके, जिससे वो खेल सके, जिससे वो हर एक चीज़ अपने मन की इच्छा को बोल सके। फिर क्या हुआ, एक दिन वो बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो कॉलेज जाने लगा और उसे लगा कि चलो अब तो मैं कॉलेज आने लगा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। फिर वो बच्चा फिर से बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारी दोस्तियाँ किया उसने, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सारे दोस्त उसे छोड़ के चले गए, फिर से वो बच्चा अकेला हो गया। फिर वो उदास हो गया, निराश हो गया, फिर वो बैठ के रोने लगा। उसके बाद फिर उसने सोचा चलो अब शादी कर लेते हैं, शादी करने से शायद मेरा अकेलापन दूर हो जाए। फिर उस बच्चे ने शादी भी कर ली, शादी कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन वो खुश था, अच्छे से रहा, हैप्पी रहा। और जैसे जैसे घर की जिम्मेवारियाँ उसके ऊपर आती गई, वो अपने आप को फिर से अकेला महसूस करने लगा। जैसे जैसे समस्याएं आती गई, वो अपने आप को फिर से अकेला महसूस करने लगा। इसी तरह से वो बच्चा अपने आप को बार बार अकेला महसूस करने लगा और वो बच्चा फिर से अकेला हो गया और फिर से बैठ के वो रोने लगा। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने जब उससे बातें किया, जब वो परमेश्वर के प्रेम को पहचाना, जब पवित्र आत्मा से उसे बातें किया, तब उसे महसूस हुआ कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई है। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार इस बच्चे के समान हमारा जीवन भी ऐसा होता है। परमेश्वर ने उससे बातें किया, परमेश्वर ने कहा तू अकेला नहीं है, इधर उधर मत ताक, बाइबल में ये वचन लिखा है, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाले रखूँगा। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार वो बच्चा जब परमेश्वर के पास आया, जब परमेश्वर को समझा, उसके नज़दीक गया, उसका अकेलापन दूर हो गया और उसने परमेश्वर से खुल के कहा प्रभु आप कहाँ थे इतने दिन, मैं इतने दिनों से अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहा था और एक अच्छे दोस्त की तलाश कर रहा था कि शायद मुझे कोई एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त मिल जाए जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं कल भी तेरे साथ था और आज भी तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा,
लेकिन जिस तरह से आज तेरे दोस्त तुझे छोड़ के चले गए तो तू अकेला बैठ के रो रहा है, ठीक उसी प्रकार मैं हमेशा से तेरे साथ था, लेकिन तूने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं, तूने कभी मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयरिंग किया ही नहीं। ठीक आज जैसा तुझे दुख हुआ जब तू मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयरिंग नहीं करता था, तेरा दोस्त तेरा इंतजार करता था, तब मुझे भी दुख होता था, मैं भी रोता था। हाँ मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में उस बच्चे के समान अकेलापन, जब मुझे लगे हमारे जीवन में जब हमें फील हो कि हमें कोई सही डिसीजन नहीं दे सकता, सही सही रास्ता नहीं दिखा सकता है, पहला स्थान प्रभु को दें, प्रभु से पूछें, सबसे अच्छा फ्रेंड परमेश्वर है, खुदा है, उस खुदा से बातें करें, क्योंकि वो खुदा आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। और उस बच्चे के समान परमेश्वर हमारी बातों के लिए वेट करते हैं कि मेरा बच्चा कब मुझसे सलाह ले, कब मुझसे पूछे। वो बच्चे ने परमेश्वर से कभी बोला ही नहीं, उससे कभी दोस्ती की नहीं, परमेश्वर हमेशा उसके साथ था, लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर से अपने दिल की बातें कही, जिस दिन उसने परमेश्वर को पहचाना, उस दिन से उसके जीवन का अकेलापन दूर हो गया। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी ज़रूरत है, बहुत समय परमेश्वर हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास अपनी बातों को नहीं रख के हम किसी और के पास अपनी बातों को रखते हैं, और जब हम अपनी बातों को किसी और के पास रखते हैं उसी समय हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सही सलाह देने वाला, सही बातें दिखा बोलने वाला, सही डायरेक्शन दिखाने वाला परमेश्वर है, और हमें ज़रूरत है कि हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी हम जीवन में परमेश्वर को दें। उस बच्चे ने इतने दिनों तक एक अच्छे दोस्त की तलाश में, वो इतने छोटे से बड़ा हो गया, उसे लगा सब कुछ शायद स्कूल जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाए, फिर चलो उससे भी नहीं हुआ, चलो कॉलेज जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाए, उससे भी नहीं हुआ, चलो मैं शादी कर लेता हूँ उससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, जिस तरह आज तू अपने दोस्तों के लिए रो रहा है कि तेरे दोस्त उससे बातें क्यों नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तू अपने दिल की बातें दूसरों से कहता था, मुझे नहीं कहता था, तब मैं भी रोता था, मुझे भी तकलीफ होती थी, लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर से अपनी बातों को शेयरिंग करना शुरू किया, परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन गए उनके, क्योंकि परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए हमारे हाथों को थामते हैं, हमें पकड़ते हैं। बहुत ही अच्छा गाना है कि परमेश्वर कैसा दोस्त हमारा, दुख और कष्ट उठाने को। सच में मेरे प्रियो, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो हमारे दुख को हमारे कष्टों को उठाए, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे दुखों को हमारे कष्टों को हमेशा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें जरूरत है कि उस बच्चे के समान हम परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के नजदीक जाएं, उनसे बातें करें, परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर की बातों को पहचाने, परमेश्वर की बातों को सुने, तो निश्चय ही हम एक अच्छा दोस्त पा सकते हैं, और वो दोस्त हमारे दुखों को हमारे कष्टों को उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं। हमें जरूरत है कि हम अपना सोच, अपना विचार, अपना मन सब परमेश्वर के लिए समर्पित करें, परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान करें। जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं, तब परमेश्वर का काम हम अपने जीवन में आप देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को डेडिकेट नहीं कीजिएगा, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए नहीं दीजिएगा, आप परमेश्वर का वो कार्य नहीं देख सकते जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा बंधु, सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा पिता, सबसे अच्छा माता, सबसे अच्छा भाई, सबसे अच्छा बहन एकमात्र परमेश्वर है, जो अनंत काल के लिए, जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। वो हमें कभी दुख, मुसीबत, समस्या किसी चीज़ों में नहीं छोड़ते हैं। हमें ज़रूरत है कि हमारी बातों को हम खुल के परमेश्वर से कहें, अपनी बातों को खुल के परमेश्वर के सामने रखें। जब हम अपनी बातों को खुल के परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं।
बातों को रखें और वेट करें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझ पाएंगे। अन्यथा अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनने की कोशिश ना करें, अगर हम परमेश्वर उस बच्चे के समान हमारी परिस्थिति रहेगी कि परमेश्वर बगल में बैठा फिर भी वो बच्चा अपने दुखों को बांटने के लिए दोस्तों के लिए तलाश कर रहा है, दोस्तों को खोज रहा है कि कोई एक अच्छा फ्रेंड मिल जाए। ठीक हमारे जीवन में इसी प्रकार होता, परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारे दुखों को उठाने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम मनुष्य पे भरोसा करते हैं, मनुष्य को ढूंढते हैं, काश कोई हमारा मदद करे, काश कोई हमारे दुखों को उठाए। नहीं मेरे प्रियो, कोई हमारे दुखों को नहीं उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा। तो उचित है कि अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि उस बच्चे के समान हम भी एक अच्छा दोस्त पा सकते हैं, एक अच्छा पिता पा सकते हैं, एक अच्छा माता पा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में पाया है परमेश्वर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और परमेश्वर की वजह से मेरे दुख मेरे कष्ट मेरे नहीं हैं, वो परमेश्वर के हो गए हैं। मेरी तकलीफें मेरी नहीं हैं, परमेश्वर की है। मुझे तकलीफ होने से परमेश्वर मुझे सहायता करते हैं, मुझे कष्ट होने से परमेश्वर मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं, बातें करते हैं। वो होली स्पिरिट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों से बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं, करेक्शन करके देते हैं, जीवन की कमियों को दूर करते हैं, करेक्शन करते हैं, हर एक दिन हमें रिन्यू करते हैं, नया बनाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से बातें करें, उनके साथ रिलेशन को मजबूत करें, उनके साथ राइट रिलेशन रखें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाले हैं। तो जो हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाले हैं, उचित है कि हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रहें, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाना है फाइनली। अपना दुख अपना कष्ट मत परेशान होइए, ये सारी चीज़ों को उठाने के लिए परमेश्वर हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पिता, एक अच्छे माता की खोज करें, वो है परमेश्वर। अगर आप एक अच्छे दोस्त के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे प्रियो कि कभी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, कभी आपके जीवन में अकेलापन नहीं आएगा। अगर आप परमेश्वर को अपने नज़दीक आने देंगे, परमेश्वर के पास अगर आप आएंगे, आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देंगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं। आपका योद्धा, आपका परमेश्वर, आपका खुदा, वो आपका दोस्त हर एक समय हर एक पल आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ज़रूरी है कि हम उस बच्चे के समान अपने जीवन में एक अच्छा दोस्त परमेश्वर को जगह दें, एक अच्छे फ्रेंड के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में परमेश्वर पे अपनी चिंताओं को डालें, अपनी बोझ को डालें, अपनी हर एक बातों को डालें। आई होप सो माई डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए ये यूज़फुल हो सकती है। सो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने जीवन में परेशान मत होइए, तकलीफ में है, समस्या में है, अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, अपना बोझ अपना सब कुछ अपने एक अच्छे दोस्त परमेश्वर के ऊपर, खुदा के ऊपर दे दीजिए, क्योंकि खुदा आपका एक अच्छा दोस्त बनने को तैयार है। उनसे बातें कीजिए, वो भी आपसे बातें करेंगे। मैं परमेश्वर से बातें करती हूँ, परमेश्वर भी मुझसे बातें करते हैं। सबसे अच्छा दोस्त हमारा परमेश्वर है। What different we have in Jesus? सच में परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं। सो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।